हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 28x33, 28 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 33 फीट प्लॉट की लंबाई है और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुँह आया हुआ है और बाकी कॉर्नर प्लॉट है। ये प्लॉट दक्षिण दिशा साउथ के अंदर भी रोड है, ठीक है। तो दो तरफ रोड है और नॉर्थ और ईस्ट अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया मैं भी आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपना दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारी प्लॉट की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 28 फीट, ठीक है, 28 फीट है ये, देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो लंबाई है हमारी यहाँ से लेके ये यहाँ सामने तक वो है 33 फीट 33 फीट है। तो 28x33 प्लॉट की साइज हो गई और पश्चिम के अंदर भी रोड है और दक्षिण के अंदर भी रोड है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट अदर प्रॉपर्टी है। तो पश्चिम दिशा से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखिए दोस्तों 6 फीट का मेन गेट आ रहा है, ठीक है। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हमारे पास पार्किंग एरिया आ रहा है जिसकी साइज है 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट, ठीक है। ये यहाँ से देख लीजिए आप, तो 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट का पार्किंग एरिया आ रहा है। अब यह पार्किंग एरिया आपको सिर्फ बाइक ही पार्क हो सकती है, कार वगैरह यहाँ पर पार्क नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 या 4 बाइक आप पार्क कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर ये पार्किंग दे रखी है, ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और 3 फीट बाई 3 फीट का स्टेयरकेस का लैंडिंग, 10 फीट 9 इंच जो जगह है वो यहाँ तक है, ठीक है ना। 10 फीट के अलावा 3 फीट है स्टेयर का, ठीक है। तो गाड़ी इसके नीचे भी चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्टेयर अप हो जाएगी, ठीक है। तो आराम से आप 3-4 बाइक आराम से खड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये पार्किंग दे रखी है। तो यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और 3 फीट बाई 3 फीट स्टेयरकेस का लैंडिंग हो गया, ठीक है। और जो स्टेयरकेस है वो बाहर दे रखा है तो आप इसको किराए पे रेंट के अनुसार भी बना सकते हो, 2-3 फ्लोर बनाकर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही दो स्टेयर अप करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 4 फीट का मेन डोर, घर का मुख्य दरवाज़ा। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर एंटर करते हैं। अब इस मेन डोर के इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा है और ये हमारा बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज है 10x12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, जिसकी एक 4 फीट की विंडो होगी पश्चिम दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो होगी इधर दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ भी रोड है तो उधर हम विंडो वगैरह दे सकते हैं। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पे देखिए बेडरूम के जस्ट पास में 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है जिसकी साइज है 5 फीट बाई 7 फीट, 5 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी दक्षिण दिशा की तरफ। इसके जस्ट पास में देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और स्टोर रूम आ रहा है जिसकी साइज है 5x7, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी दक्षिण दिशा की तरफ। स्टोर रूम के जस्ट पास में देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और किचन जिसकी साइज है 7x9.8 फीट, 7 फीट ऐसे और 9.8 फीट ऐसे, इसकी 4 फीट की विंडो भी दक्षिण दिशा के अंदर, ठीक है। किचन से वापस बाहर आते हैं तो ये देखिए हमारा आ रहा डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी साइज है 9 फीट बाई 16 फीट 5 इंच, ये यहाँ इस दीवार से लेके यहाँ तक इस दीवार तक, तो 9 फीट बाई 16 फीट 5 इंच का डाइनिंग और लिविंग एरिया रहा है। और इस तरफ देखिए ये ओपन के अंदर पूजा रूम है 4 फीट 8 इंच बाई 4 फीट का, ठीक है। ये हमारा पूजा रूम होगा, इसका ये 3 फीट का दरवाजा होगा, 4 फीट 8 इंच बाई 4 फीट का। पूजा रूम के जस्ट पास में देखिए OTS दे रहेगा 4x4 का, 4 फीट ऐसे और 4 फीट ऐसे, इसी के अंदर ही पूजा रूम का 2 फीट का वेंटिलेशन निकल रहा है, ठीक है। तो ये OTS दे रखा है। अब आते हैं वापस पूजा रूम से बाहर, तो ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया। अब इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज है 9x12, 9 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, इसकी 4 फीट की विंडो भी इस OTS के अंदर निकल रही है, ठीक है। और इस बेडरूम के अंदर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट है 5x5 का, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन इधर सामने पार्किंग की तरफ स्टेयर के नीचे निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अटैच टॉयलेट। तो चलिए मैं आपको उसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेन गेट, फिर ये पार्किंग, ये स्टेयरकेस, ये हमारा घर का मेन डोर, ये बेडरूम, बेडरूम के पास में कॉमन टॉयलेट, स्टोर रूम, किचन, किचन के पास पूजा, OTS, ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये बेडरूम और ये अटैच टॉयलेट। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं सामने से। ये पश्चिम दिशा हुई, ये हमारा 6 फीट का मेन गेट। ये देखिए दोस्तों, अब चलते हैं सामने से पीछे की ओर चल रहे हैं, आपको सारी डायमेंशन वगैरह दिख रही होगी। और 28 फीट प्लॉट की चौड़ाई है, 33 फीट प्लॉट की लंबाई है, कॉर्नर प्लॉट है, पश्चिम और दक्षिण रोड है और उत्तर और हमारा पूर्व दिशा के अंदर अदर प्रॉपर्टी। तो टोटल 2 रूम, स्टोर रूम,
पूजा रूम, कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, पार्किंग, स्टेयरकेस वगैरह हमने इसके अंदर डिजाइन किया कि देखिए अटैच फिट, ये हमारा ओटीएस, ये पूजा रूम, ये हमारा किचन, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, इस बेडरूम का ये हमारा अटैच टॉयलेट, ये किचन के जस्ट पास में स्टोर रूम, स्टोर रूम के जस्ट पास में कॉमन टॉयलेट, ये हमारा घर का मेन दरवाज़ा, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा पार्किंग और ये हमारा स्टेयरकेस और ये हमारा मेन गेट और ये पश्चिम दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।